सॉरी डिस्कशन लेट पा रहे हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन सी, हुने आया हाँ डिस्कशन करन लगा, पेपर देखिया है ते पेपर बीएड एंट्रेंस टेस्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2023 जुलाई 2023 दा है। मेरे परस्पेक्टिव, मेरे लॉजिक, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के मुताबिक आंसर नू राइट या रोंग, हाँ फंडामेंटल थ्यूरीज नाल जो रियल एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव वो नाल डिस्कस करांगा। सो देखते हाँ पहला क्वेश्चन की है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इंटेंड्स टू प्रमोट मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट। नाल मैं अंडरलाइन करांगा, जो मैं जिस तरह लर्नर तुहाडे वांग सोचदा हाँ एग्जाम च बैठा हाँ उस तरह सॉल्व करांगा। ही शुड फोकस ऑन डिवेलपिंग ऑल, है ना, सब कुछ डिवेलप करांगा, इट मीन्स पॉजिटिव, एक्सेप्ट इट मीन्स नेगेटिव, है ना। लर्निंग नॉट अलाउइंग स्ट्रेस टू ग्रो, लर्निंग हाउ टू डील, लर्निंग हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, लर्निंग हाउ टू रिवर्ट बैक फॉर आफ्टर स्ट्रेस। ओके, इत्थे थोड़ी मिस्टेक है स्ट्रेस विच जाने तो बाद। हुण ये देखो, इन्ना सोचो कि स्ट्रेस जिहड़ा है लाइफ का पार्ट है कि नहीं है, स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है कि नहीं है। ये तुहाडा स्टूडेंट्स है, बच्चा है, कि तुसी चाहुंदे हो कि लाइफ नूं ये फेस करे, मतलब प्रॉब्लम नूं फेस करे, मतलब स्ट्रेस नूं फेस करे, कि तुसी ये चाहुंदे हैं कि ये इधर नूं बैक भज जावे, भज भजना सीखे कि उसनूं फेस करना सीखे, है ना। स्ट्रोंग केड़ा है, जिहड़ा फेस करता है नैचुरली वह स्ट्रोंग है, जिहड़ा नैचुरली स्ट्रेस विच चला गया है लेकिन उस चो वापस आने की तरकीब जान गया है कि जल्दी वापस किद्दां आना है, है ना। जिहड़ा स्ट्रेस जिहड़ी है उसनूं वधन ना देवे, इदां दीआं नुक्ते सीख लवे, फॉर एग्जाम्पल मैडीटेशन है, योगा है, डीप ब्रीदिंग है, इदां दीआं एक्सरसाइज है, पेरेंट्स फ्रेंड ना उस समय गल करना, बड़ियां टैक्नीक्स ने, है ना। सो खुद देखो कि लर्निंग नॉट अलाउइंग स्ट्रेस टू ग्रो, ये सीख लेना कि स्ट्रेस ना वधे। मैनू तो पॉजिटिव लगी है भी, मैं इत्थे पॉजिटिव टिक लगाया है। लर्निंग हाउ टू डील, हाँ कि स्ट्रैसफुल सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, तो मैं उन्हें डील किद्दां करना है, मैं अपने खाना टाइम सिर लेना है, उन्हें पढ़ लेना है, वगैरह वगैरह। ये जिहड़ी है, सॉरी इत्थे पॉजिटिव लिखना सी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाउ टू डील, लर्निंग हाउ टू अवॉयड, अवॉयड करके जिहड़ा भज्जेगा जिंदगी तो जिंदगी उदा साथ, हाँ अवॉयड जिहड़ा जिहड़ा बीमार है कोई, है ना, मैं कहना है डिसऑर्डर वाला शख्स है, डिप्रेशन वाला है, स्किजोफ्रेनिक है, फोबिया वाले, मेरे स्टूडेंट किन्ने फोबिया वाले ने, किन्ने मैडम टीचर्स फोबिया वाले है, जो एक्सेसिव फोबिया बन गया, मतलब किसी चीज़ तो बहुत डर लगता है, है ना। तो एक स्टूडेंट है मेरा, उसनों मार्क्स की गल करते, उन्होंने बहुत डर लगता है स्कूल की गल, तो उसनों कहने कि वह घटना जिथे उसने माड़ा घटिया से वो याद नहीं करनी, उत्थे उन्हों अवॉइड करने लिए कहा गया है। इतने पेशेंट नाल डील नहीं कर रहे, असी मेंटल हेल्थ नॉर्मल बच्चों की ना डील कर रहे हैं, दैट इज़ वाई नॉर्मल बच्चा अवॉयड नहीं करेगा स्ट्रैस को, उदनों डील किद्दां करना, फेस किद्दां करना, जे चले गया तो उस बैक किद्दां आना है, जे है स्ट्रैस तो वह होर ना वधे, ये किद्दां सीख लेना है, मैं इस तरह सोचता हाँ। सो ये वाला नैगेटिव है, नैगेटिव इतने एक्सैप्ट है, सो नैगेटिव राइट आंसर सी इज राइट आंसर, मेरे मुताबिक, मैं गलत हो सकता हाँ। नैक्सट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज मेंटली हेल्दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु फेस्ड, ये नाल ही है, ये हैज़ फेल्ड इन ए एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट है वो फेल हो गया है, वो किस तरह रिएक्ट करे कि वो पता लगे कि मेंटली हेल्दी है, कि वो डिप्रैसड फील करे तीन चार दिन ली, यार फेल होए हाँ तो तीन चार दिन ली फील किया है, नॉर्मल हो, संत नहीं हो तुसी, इट मीनस ठीक है, अगेन प्रिपेयर फॉर इट, वेरी गुड, तो फिर पॉजिटिव हो गया, है ना। रेजिलेंसी जो पिछली लास्ट सी, रेजिलेंसी के दुख आवे, दुख चो वापस किन्नी देर बाद तुसी आ जाते हो, उन्ने तुसी रेजिलेंट हो, सो ये बेस्ट लग रही है हुण तक। फील सैड फॉर वीक्स, वीक्स मतलब किन्ने हफ्तों लिए उदास ही बैठे रहोगे, जिन्ना लंबा टाइम दुख का साथ मतलब दुखी रहिंदे हो, उन्ना ही तुहाडे तो लोग भज्जणगे, उन्ना ही रिश्ते नहीं निभाए जाएंगे, उन्ना ही जिंदगी नूं नहीं देखा जाएगा, जल्दी बाहर आना है, जिवें उत्ते गल कीती है। एंड पेरेंट्स कंसोल हिम टू अगेन प्रिपेयर फॉर द सेम, हुण पेरेंट्स कंसोल कर रहे हैं, इत्थे सैल्फ है, सैल्फ सैल्फ स्ट्रोंग है, जे तुसी सोच लिया कि मैं प्रिपेयर करना, यस सैल्फ इज स्ट्रोंग,
पेरेंट्स कह रहे हैं शायद मैं शायद 2 साल ना सोचा, मैं शायद डिप्रेशन ज़्यादा चल जा। डज नॉट केयर क्यों नहीं करनी, फेलियर की केयर करनी है। एंड क्या डज नॉट केयर अबाउट द फेलियर, है ना, एंड एंजॉय, एक बिल्कुल गलत है। फील गिल्टी, गिल्टी नहीं फील करना, एनालाइज करना है। डिसाइड टू स्टे एट होम, सो ये भी गलत है। इतने वी सॉरी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन साढ़े को, फॉर अ स्कूल टीचर टीचिंग द अडोलसेंट स्टूडेंट इट इज गुड दैट टीचर ट्रीट अडोलसेंट लाइक ए चाइल्ड, तुसी खुद देखो, एंड लव लाइक ए चाइल्ड। हुण तुसी लव विच फस गए होने, हुण तुसी जिहड़ा है लाइक ए चाइल्ड विच फस गए होने। इत्थे एक अडोलसेंट बच बॉय बनाओ जिहड़ा 15-16-17 सालों का है, और ये चाइल्ड बनाओ जिहड़ा कि 8-7 सालों का है। हुण तुसी की इस नूं कहोगे कि बेटा तू छोटा बच्चा है, मैं तिन पिया कि ना के कहोगे, बेटा शाबाश तू तां पापा वांगू, तू तां अपने वड्डे ब्रदर वांगू आ चीज़ कर लियो, वह भी इन्नी वधिया तरह नहीं करता। इट मीनस डील, हुण तू कर सकदा है, तू अपने वड्डे भरा वांगू कर सकदा है, बाप वांग कर सकदा है। देखो उसनू छोटा जिके उसनू वड्डा फील कराना चाहिए है। अडोलसेंट इन्ने सेंसिटिव होंगे कि उन्होंने छोटा ना समझा जाए। हुण वड्डे हो चुके हैं, पेरेंट तो इंडिपेंडेंट चाहते हैं, पीयर नू प्रैफर करते हैं, पीयर ग्रुप नू। सो ये लव लुव च नहीं फसना, यह छोटे च वांगू ट्रीट नहीं करना, डिवेलपमेंट नहीं होएगी। आइडेंटिफाई द अडोलसेंट लाइक ए चाइल्ड, ये करके रिजेक्ट हो गया। ट्रीट अडोलसेंट स्टूडेंट लाइक एन अडल्ट, यस, एंड रिस्पेक्ट पॉजिटिव है ना, लव नहीं आया, रिस्पेक्ट आया। हिम लाइक एन अडल्ट, यस, बेस्ट। आइडेंटिफाई द अडोलसेंट स्टूडेंट लाइक अडल्ट एंड लव लाइक चाइल्ड करके, है ना। तुसी देखो ऑड मैन, देखो ऑड ऑड मैन आउट कर दो, इहदे विच चाइल्ड आया, सी आ गया, इहदे विच चाइल्ड आया, यस चाइल्ड आया, इहदे विच चाइल्ड आया ही नहीं, अडल्ट आया, इहदे विच चाइल्ड आया, ऑड मैन आउट, सी इज राइट आंसर। ओके, ऑड मैन आउट एक स्ट्रैटेजी दसी सी तुहानू। नैक्सट है टीचिंग, टीचिंग इज एन सर्विस जॉब ऑक्यूपेशन प्रोफेसर प्रोफेशन। सो कई ने आइडियल जवाब देता होना, आइडियल के सर्विस है, सर्विस ली कोई स्पेशल रिसर्च बेस्ड, री एस ई ए आर, रिसर्च बेस्ड नॉलेज ते स्किल्स चाहिए है, ट्रेनिंग चाहिए है, इंटर्नशिप चाहिए है, कोई यूनिफॉर्म चाहिए है, कोई ये सारे प्रोफेशन दे करैक्टरिस्टिक्स है कि प्रोफेशन लई कोई खास ट्रेनिंग चाहिए है जिहदे विच नॉलेज ते स्किल होएगी, और नॉलेज ते स्किल रिसर्च बेस्ड नॉलेज ते होएगी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग अच्छी कि होंगी है, प्याजे की रिसर्च है, वागोस्की की रिसर्च है, थॉर्नडाइक की रिसर्च है, इनिया लर्निंग थ्यूरीज ने उन्होंने बेस्ड है। सेवा जिहड़ा मर्जी कर ले, ओपन कर ले, कोई यूनिफॉर्म की लड़ नहीं, कोई ट्रेनिंग की लड़ नहीं है, मैंने वट्टे चकने आते हैं, मैं किसी का घर ढिठा हो, तूफान आया, हड़ आया, मैं वो हेल्प करती, सेवा है, है ना। किसी धार्मिक स्थान पर तुम्हें लगता है कुछ जाके कर दिता, कोई भी कर सकता है। भाई कन्हैया जी ने प्यार विच आ के जो छबील लाते पानी पिलाते, उन्होंने प्रोफेशन नहीं सी, परमात्मा देखते सी, प्यार वाली गल है, वह देने वाली गल है। प्रोफेशन जिहड़ा है वह लर्न करके फिर देने वाली गल है, ठीक। सो प्रोफेशन इज़ बैटर, क्योंकि बी एड जे सेवा होंगी तो फिर बी एड ना कराई जाती, सी बी एस ई ना कहती कि बी एड कंपलसरी है, पी एस टैट आर टी एक्ट ना कहता कि पी एस टैट क्लीयर करके आओ। इट मीनस वो स्किल्स तो नॉलेज चाहिए है, वो थोड़ी टेस्ट की जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है मिस्टर विनोद टीचिज मैथ्स टू क्लास 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सैटिस्फैक्टरी आउटकम फॉर मैथ दे टीचर लिए, सब तो अच्छी लर्निंग आउटकम केड़ी होएगी, ये दसना है। इनक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट, मैं वो वर्ड जितों रिजैक्शन ते एक्सैप्टेंस कर रहा हाँ वो छड़ रहा हाँ, वो लिख रहा है, अंडरलाइन कर रहा हाँ, एनरोलमेंट रिजैक्टेड मेरे मुताबिक वीक है, क्वेश्चन मार्क, है ना। इनक्रीज स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, द बेस्ट वर्ड एक्टिव, प्याजे की थ्यूरी, प्याजे ने की कहा, लर्नर एक्टिव है, पार्टिसिपेशन वाइगोस्की ने, है ना, बेस्ट आंसर, बेस्ट वर्ड, बेस्ट वर्ड, राइट आंसर मैंने लगता मिल गया। मैक्सिमम अटेंडेंस वीक ऑप्शन, नैगेटिव ऑप्शन। इनक्रीज पास परसेंटेज, क्वानटीटेटिव गल, नंबर की गल नहीं ज़्यादा करनी, उन्होंने फेवर नहीं करना, असी लर्निंग आउटकम फेवर करना है। बी इज राइट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। ड्यू टू सम सरकमस्टांसिस संजय 14 ईयर बॉयज, 14 साल के ही बच्चों का अडोलसेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि बी एड
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੱਡ, ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨਰੋਲਡ ਇਨ ਏ ਸਕੂਲ ਬਟ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਕਲਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਮ, ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟੂ ਐਨਰੋਲ ਇਨ ਸਕੂਲ ਟੂ ਲਰਨ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਡਡ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਕਲਰਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਾਸ ਫੀਲਡ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੂ ਲਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆ। ਇੰਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਫੋਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਵਰੇਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ ਸੀ ਨੂੰ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਇੰਟੈਂਡ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਲਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਲਰਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਨ ਏ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਨ ਟੀਚਰ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਨ ਟੀਚਰ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ, ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੋਇਸ, ਨੋ ਨੋਇਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ। ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਨੋਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਵੋਇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਇਸ ਵੀ ਹੈ, ਯੈਸ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਨ ਟੀਚਰ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਆਂਸਰ ਹਿਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਫੋਰ ਏ ਟੀਚਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਥਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੋਰੈਕਟ ਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਏ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਸਮਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਸਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ। ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਆਸਕਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਡੋਟ, ਐਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਸਟ, ਫਾਸਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਏ ਟੀਚਰ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟੈਪ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ ਗੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਸਟੈਪ ਹੈ,
स्टेप हो गया लर्निंग आउटकम, दिस इज गोल. सो गोल राइट आंसर होएगा, सी इज राइट आंसर. इंश्योरिंग अटेंडेंस स्टेप है, ठीक है. असी स्टेप्स नू बैठे हैं लैके, जो धर्म का कुछ फल लिया तो वो स्टेप सी, है ना. आ करना क्या सी, वो स्टेप सी, लेकिन अगे भी वधना है. फर्स्ट स्टेप ते नहीं बैठे रहना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड टू फॉर अ टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये यूज़ तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए है. कंटेंट मास्टरी बिल्कुल चाहिए है. इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्वेश्चन मार्क. नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स यार नीड्स बेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है. हूँ जे तो एक दो तीन चार है उस कन्फ्यूजन हो सकते हैं, पर पहला ये देखागा फस्ट सैकेंड तो फोर्थ है. फस्ट सैकेंड तो फोर्थ डी राइट आंसर इधर ही जा रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़ कर रहा है. सिर्फ नॉलेज की करेगी टेक्नोलॉजी की, वह यूज़ होना चाहिए है. सो UGC नेट से क्वेश्चन पक्का चक्या है, आप डिस्कस भी किया है शायद, क्योंकि चार ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है. एक दो चार इसनों ही चूज़ करना चाहिए है. नैक्सट है, नैक्सट एट स्कूल लैवल गेम्स स्पोर्ट्स हैल्प द स्टूडेंट टू की करने, टू बी कॉम्पीटेटिव. कॉम्पीटेटिव का मतलब की है कि इत्थे जाके माड़ा जिहा दस दिंदा हाँ. कॉम्पीटिशन का मतलब की है कि मान लो लर्नर या टीम एक है, ये टीम दो है ना. गोल कोई भी है, गोल ओही नहीं जिहड़ा हॉकी वाला गोल, कोई भी है, क्लासरूम का कोई है, लर्निंग का है, टेंथ के एग्जाम का गोल है. कॉम्पीटिशन की है कि मैं इसनों पिछे छड़ना है ना. विरोध है, विरोध विच तुसी गोल नू अचीव करदे हां. कोऑपरेशन विच की है, आपां दोने मिलके गोल नू अचीव करदे हां. देखो की पावरफुल है, जो मिलके करदे हां फिर गोल ज़्यादा वधिया अचीव होएगा कि एक दूजे नू पिछे छड़ना. मैं अपना मैटर तैनू नहीं लैणा, तेरा मैटर इत्थों नहीं, तैनू दसना नहीं, तैनू पुछना नहीं, है ना. सो कॉम्पीटिशन अच्छा नहीं साबित हो रहा, इसलिए कॉम्पीटिशन जिथे भी आवे वो वीक है. कोऑपरेशन मस्ट बैटर है. इंश्योर विक्ट्री सिर्फ जितने लिए नहीं, लर्न करने लिए, बार बार लर्न करने लिए पढ़ते हाँ. लर्न द स्पीड ऑफ कोऑपरेशन, माई गॉड आंसर मिल गया. लर्न द बेस्ट रूल्स, एक स्टेप है रूल सीखना. ओके राइट आंसर इज सी. नैक्सट है 42वां क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर लैस ऑब्जेक्टिव दैन. देखो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ये तुहाडे कोल ही है ना. सारी दुनिया में टैसट जिन्हें भी ले जा रहे ये ले जा रहे, क्यों? क्योंकि मैक्सीमम ऑब्जेक्टिव है सब तो ज़्यादा, इसलिए मोर ऑब्जेक्टिव शब्द मैं देखागा. लैस ऑब्जेक्टिव कटता, मोर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया. मोर सबजैक्टिव कटता, मोर सबजैक्टिव कटता, इन्नी गल सी. तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स मान लो है जिथे दो ऑप्शन है उत्थे 50% प्रोबेबिलिटी गैस दी है. जिथे चार ऑप्शन है एक दो तीन चार उत्थे 25% गैस दी प्रोबेबिलिटी एनी है. सो जिच गैस घट लगे वो बैटर होंदा है. दैट इज़ वाई MCQ चुने जाते हैं क्वेश्चन वाली. हुण तां न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि MCQ दे टेस्ट भी ले जाण, पर चोरी ठगी भी ये ज़्यादा बजती है. इन क्लासरूम इफेक्टिवनैस ऑफ टीचिंग इज जज इन टर्म ऑफ लर्निंग आउटकम. हाई रब्बा, दूसरा कुछ देखने की लड़ ही नहीं है. यूज ऑफ ए स्टैप है ना. स्टैप है, इंट्रस्ट भी स्टैप है. ये मत सोचो अटेंशन इंट्रस्ट सारा कुछ क्रिएट करना, स्टैप है. जे और लर्निंग आउटकम नहीं है फिर ये ऑप्शन ले सकते हैं. इन क्लासरूम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड इफेक्टिव टीचर वुड, है ना. डाइवर्स मीन वक्रे वक्रे कल्चर तो. मोटिवेट द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड दैट ऑल ऑफ दैम हैव अ कंपेरेबल अकेडमिक अचीवमेंट. देखो अचीवमेंट पर जोर दिता, क्वेश्चन मार्क रिजेक्ट करो. छोटा नैरो है ना, इस पार्शियल है, नैरो है. इग्नोर करना बिल्कुल गलत है. वह भी की बच्चों की कल्चरल नॉलेज. वाह, मेरे स्टूडेंट इस्लाम तो रहे ने, अख्तर अली है, उन्होंने मैंने कुरान शरीफ दिल्ली तो लैके स्पैशल गिफ्ट इसलिए किया कि जो क्लास से गल होनी मैं उन्होंने इस्लाम की कुरान शरीफ की गल करनी, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहना ता जो शमूलीयत फील करन कि हाँ उन्हां दी वैल्यू फील करन. सो जिहड़ा होर किसे धर्म दा है उसकी भी गल की जाती है. सो उन्हां नूं शामिल फील होवे ये करना है. सो फोकस ऑन कल्चरल नॉलेज बिल्कुल ठीक है. स्टूडेंट एड्रेस देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस.
साइकोलॉजिकल बेसिस जिहड़ा है एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसैस का वो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, इनकलूसिव एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंस है। सो इंडिविजुअल जिस डिफरेंस जिथे लर्निंग आउटकम जिस तरह इन्ना ही वधिया शब्द है कि वो तुहानू राइट दस रहा है, ये ऑप्शन राइट है फ्रॉम, क्योंकि सारिआं नूं तुसीं अटेंड कर रहे हो फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल, ए वाले ग्रुप इधर 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 डिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है ना। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, इन ए क्लासरूम सिनेरियो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट शोज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, टीचर आस्क द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर दोज क्वेश्चन, टीचर पुछदा है ना ते बच्चा उसका जवाब दिंदा है, ए पुछया मतलब डोमिनेट कौन कर गया इतने टीचर, ओके। टाइमली ने काम खराब कर दिता, टाइमली ने ओपन नहीं देना। दूसरा होमवर्क, होर कोई भी नहीं, शब्द पढ़ के पता लग गया रोंग है, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन द टीचर एंड शी आंसर, टीचर आंसर द क्वेश्चन। देखो हूँ इन्होंने पूछया, जो तो टीचर क्वेश्चन पूछता है वह हमेशा आर्टिफिशियल होंदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हाँ कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन ने, है ना, तो मैनू पता है, मेरे को जो नॉलेज है, मैं क्वेश्चन पूछा वो आर्टिफिशियल क्वेश्चन होंगे। जो तो बच्चे ने पूछा है कि सर अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन ने, यदा मतलब नैचुरल क्वेश्चन पूछ रहा है। सो नैचुरल क्वेश्चन वाली ज़्यादा बैटर होएगी ना, ये बैटर है, ये नैचुरल क्वेश्चन है। ब्लैकबोर्ड पर नहीं, राइट आंसर सी नू मैं चुनिया है। नैक्सट क्वेश्चन है, एन अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल, सीधा टीचर सेंटर्ड, कि टीचर लैसन प्लैन करता, टीचर रोल डिसाइड करता, उ इवेलुएट करता, उ डिसाइड करता कि कौन वधिया कौन नहीं वधिया, है ना। सारा जड़ा है सिनेरियो है, डिसीजन है, वो मेजर टीचर द्वारा ही ले जा रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, मिस्टर राजेश साइंस टीचर क्लास 9th 8th ऑबजर्व दैट हिज स्टूडेंट्स आर नॉट इंट्रस्टड इन लर्निंग, मिस्टर राजेश शुड कॉल द पेरेंट्स एंड इंटीमेट। देखिए दूसरिया सिटी जाओ, हूँ सैल्फ से सैल्फ रिस्पोंसिबिलिटी लैनी है, सैल्फ की कोशिश, सैल्फ एनालिसिस, फोकस ऑन हिज टीचिंग, यस गुड, हिज आ गया ना, सैल्फ आ गया, ये बेस्ट होएगा। फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, वेरी गुड, गोल आ गया। गिव एग्जाम्पल ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, तुसी कंपेयर कर रहे हो, बेटा देखो ओ किड्डा है ना, इहदा मतलब तुसी उहनूं नीवां साबित कर रहे हो, टेंशन वधा रहे हो, एंगजाइटी पैदा कर रहे हो, कंपेयर नहीं करना। एडवाइस टू अटेंटिव, ये वैसे ही वीक है, ओके, सीधी एडवाइस दे देना। नैक्सट है, मनोहर ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास करैक्टली सॉल्व सम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे बट मैथ्स, ओके, बट नॉट लाइक द टॉट बाय हिज टीचर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बुक। मनोहर शुड, एक टीचर है वो टीच करता है, एक बुक दसदा है, तो पर मनोहर ने उस बुक वांग या टीचर वांग सॉल्व नहीं किया, नवे ढंग नाल सॉल्व कर लिया, इहदा मतलब है मोहन क्रिएटिव है ना, नवे मैथड नवे सल्यूशन लभ सकता है, अच्छे जो क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग 2020 ने भी सुजैसट किया है, बधाओ फोकस करो। सुजैसट टू फॉलो द सेम मैथडोलॉजी, हाँ, एज डिस्कस्ड बाय द टीचर टू गैट गुड मार्क्स, आया इनू कट दो वढ़ दो, ओके, इन एग्जामीनेशन कट दो वढ़ दो, यदा मतलब नवे ढंग ना नहीं सोचना, पुराने ना सोच, अच्छे साइंटिस्ट अभी खाक पैदा करा, जो इस तरह कही जावे नवा सोचना है। Encouraged to consult some more books, yes, ये ठीक है। On the subject to promote learning, ये ठीक है। Discourage to consult any other book, discourage तो वैसे ही नहीं करना। Ask to talk with the teacher after the class, so this is better, B is better, क्योंकि होर ideas, होर क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग डिवेलप हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर इन क्लासरूम, द टीचर फोकस ऑन यूनी डायमेंशनल परस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट, यूनी मीन एक डायमेंशन, है ना। 2020 पॉलिसी विच की मल्टी डिसिपलरी, ओके, एक कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज, मैं इतने लिखा राइट्स एंड ड्यूटीज, कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ नू फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नाल, कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि
कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना, बड़े अजीब लग रहा है ना, कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना, पढ़ना नहीं चाहिए। ये है मल्टी इंटेग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, सो यूनी गलत हो गया, वीक हो गया। नेक्स्ट है मोटिवेट अ स्टूडेंट टू स्कोर हायर मार्क्स। लो जी मार्क्स आ गए, एग्जामिनेशन हो गया, कट दो। यूजेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। हाँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट पावर पॉइंट, ये अच्छा है ना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन अमंग्स द स्टूडेंट। हूँ सब तो वधिया है जे पावर पॉइंट अच्छा है, लेकिन एक ही है इतने रखिया वन वे प्रोसैस। मैं की है इस वेले कुछ नहीं कर रहा, वन वे प्रोसैस है, मैं बोल रहा तुम सुन रहे हैं, है ना। ये वीक चीज़ है असल एजुकेशन। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन टू वे, मैनू पता ही नहीं है, क्वेश्चन भी भुल गया है, लेकिन टू वे दोनों बोल रहे हैं, दो तरह बोल रही हैं, एक्सचेंज हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, सल्यूशन मिल रहे हैं। क्वेश्चन की सीगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट एक्ट पार्ट ऑफ। हाँ, सो डी इज, मेरे ख्याल डी मसी कुछ ऑप्शन आया है, डी। नेक्स्ट है इन क्लास टेंथ देयर आर सोनिक स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर शुड, UGC नेट चो ही मेरे ख्याल में डिस्कस होया शायद क्वेश्चन, मेरे ख्याल से, एडवाइज दो स्टूडेंट नॉट डिस्टर्ब। नहीं, इस तरह नहीं कहना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुसी नॉट कहो, बिल्कुल गलत। एनकरेज दो स्टूडेंट टू फाइंड आउट द आंसर, आप ही इंडिपेंडेंट आंसर लभो, ऐदा नहीं है, कुछ तो करना पेगा, वीक है तुहाड़ा, रोल कितने गया, तुहाड़ा रोल जिथे एज ए टीचर वो होवे उसनू चुकना है। नेक्स्ट है एनकरेज, वर्ड आ गया एक एनकरेज, दो स्टूडेंट टू कंटिन्यू, एनकरेज पॉजिटिव आ गया, कंटिन्यू पॉजिटिव आ गया और क्वेश्चनिंग पॉजिटिव आ गया, सो बेस्ट आंसर है सी। फिर अगला भी देख लेने हाँ, एडवाइज दो स्टूडेंट टू मीट हिम आफ्टर द क्लास, हेलो, यस दिस इज बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन ए क्लास द टीचर शुड एक्सप्लेन द रूल एंड रेगुलेशन। नहीं, पहले रूल दी नहीं, लाइफ दी गल करो। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हाँ ये भी ठीक हो सकता है, एंड आस्क द स्टूडेंट टू डू आल्सो, डिस्कस द सिलेबस एंड विद दिस स्टूडेंट, स्टार्ट टीचिंग टू द स्टूडेंट, स्टार्ट भी नहीं करनी, एक्सप्लेन ये रूल भी नहीं करने पहले दिन अपनी गल करो, तुसी कौन हो ना, बैकग्राउंड है, कारण की है, एंड आस्क द स्टूडेंट टू डू, है ना, अपनी भी इंट्रोडक्शन जो देनी है, यदा मतलब वो मैं समझ लवा, उस दे बेस से बच्चों के नीड्स पता लगन, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पता लगन, तो लैसन प्लैनिंग कल उस मुताबिक होएगी, है ना, उन्होंने टेलेंट नू यूज़ करना है। वाइल टीचिंग द कंसैप्ट ऑफ स्क्वेयर टू स्टूडेंट्स द बेस्ट वे टू डू इट इज दैट द टीचर शुड, एक कंसैप्ट टीच कर रहे हैं स्क्वेयर का, है ना, लैक्चर तो देना ही नहीं है, लैक्चर तो गलत हो गया, वन वे प्रोसैस। प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ स्क्वेयर, हाँ जी पिक्चर तो करनी है, अगे भी कुछ करना है ना, डिस्कस, आ देखो डिस्कस आ गया, डिस्कस एंड प्रेजेंट ए पिक्चर दो चीज़ें आ गई, डिस्कस टू वे प्रोसैस आ गई, स्क्वेयर एंड अदर ज्योमैट्रिकल फिगर। देखो स्क्वेयर है, मान लो रैक्टेंगल है, हाँ जी रैक्टेंगल जो भी बाकी दिगर पेश की, जो तो कंसैप्ट टीच करना है, कंसैप्ट दे विच ओ सिमिलैरिटी भी, सिमिलैरिटी विद रिलेटेड कंसैप्ट एंड डिफरेंस विद रिलेटेड कंसैप्ट लर्न करे, उदे लई उदे नाल रिलेटेड बाकी फिगर्स भी सामने पेश करोगे, डिस्कस करोगे, एनालाइज करोगे, फिर लेबल लाने हैं केड़ा की है, है ना, ये बैटर है। प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ स्क्वेयर एंड आस्क द स्टूडेंट टू ड्रा इट, ठीक है ड्रा करने कह दिता, लेकिन वन स्टेप है वो बेस्ट है। ये पिछला ही क्वेश्चन आ गया, ए डायग्राम स्पीक्स मोर दैन 1000 वर्ड्स स्टेटमेंट, कॉम्प्रीहेंसिव में चकना ना, अखाण है, फिगरेटिव मीनिंग मांगो, सिंबॉलिक है ना, कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग, यूज टीचिंग एड इन क्लासरूम, ये पुराना ही है, डिस्कस भी होया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस कर दी है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस कर दी है, टीचर नॉलेज हाँ जी कर दी है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचिंग नू इफेक्ट कर दी है, ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इहदा मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नू असी क्राइटीरिया टीचिंग दा बना लिए, यह बेस्ट है, यह बेस्ट है, बैटर है, बैटर है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ यस दैट एनकरेज द लर्निंग, बिल्कुल
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਅਮੰਗਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਮੈਨੀ ਆਸਕ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਗਿਵ ਆਂਸਰ ਵਿਚ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਸਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਲੋ ਟੈਗ ਵਰਡ ਇੰਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਟੈਗ ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਆਂਸਰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਡਲ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਜਨਰੇਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਖੋ ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਖ ਲੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਡੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਡਰਡ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ 10th A ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਵਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਉ ਓਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਨ ਸਕੂਲ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੇਸ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਈਕੇਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਟਾਕਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ MSc ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਓਪਟਡ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਕਲਾਸ ਬਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਦਿਉ ਬੇਟਾ ਆਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਫੇਲਡ ਇਨ ਕਲਾਸ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਨਲੀ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਓਪਟਡ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਇਨ 10+1 ਐਂਡ ਨਾਓ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਵੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਓਪਟ ਸਟਰੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਓਪਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 59th ਇਨ ਏ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡ ਟੂ ਮੇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਇਕਲੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਕਮਸ ਨੋ ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੋ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜੋ ਕਹਿ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ